तुम सु करो मैं फेसबुक आओ और स्टोरी स्टोरी मत लगाओ डुबकरी का आओ और नहीं बता रहा हूँ तुम मैं और मेरा कई भी यार दोस्त ने लगाई फिर देख लो कि बाहर भी टिक कर देंगे हम ऐसे ही बता रख चाहे कोई खास की ना हो कोई मत लगाओ ठीक है ना भाई। जब मिलो किसी से तो जरा दूर की यारी रखना, अक्सर जानलेवा होते हैं सिने से लगाने वाले। वक्त की बात है भाई, गिदड़ों ने पीछे से और धोखे से वार किया है, सामने से आते तो रिजल्ट कुछ और देखने को मिलता। खैर अल्लाह पाक खैर करे, धोखे से वार हिजड़े करते हैं मर्द नहीं। घर बुलाकर किसी रिश्तेदार को पीटना कितनी गलत बात है। अरशद अपने बच्चों को लेने अपनी ससुराल पहुंचा। जैसे ही वो अपनी ससुराल में पहुंचा तो अरशद के साले ने और सारे गांव वालों ने अरशद को बहुत ही बेदर्दी से मारा, जैसे कोई रिश्तेदार नहीं दुश्मन हो। इतना बुरा तो कोई दुश्मन भी नहीं करता मेरे भाई। खैर हमारे पास काफी मैसेज आ रहे थे अरशद को लेकर। आखिर अरशद के साथ हुआ क्या था? अरशद और अरशद के साले की कोई पहले से ही तूतू मैं थी। इसी बात को लेकर अरशद के साले ने अरशद को पीटा, पिटा भी इस तरह जैसे कोई कितना पुराना दुश्मन हो। अल्लाह खैर करे, इसका एंड क्या देखने को मिलेगा? आप लोगों को क्या लगता है कि अरशद घर बैठकर इस बात को भूल जाएगा? कमेंट बॉक्स में अपनी राय दें। अब इतना बुरा हाल हो गया हमारे मेवात का, अपने दुश्मनों को छोड़कर अपने रिश्तेदारों को पीटना, आप भी संभल कर जाइएगा अपने ससुराल में, ना जाने कब कोई साला पीछे से वार कर जाए। अरशद को पीटकर इन लोगों ने कौम पर ही एक धब्बा लगा दिया है, अब लोग क्या बोलेंगे? यह तो साले रिश्तेदार को बुलाकर घर में पीटते हैं, मुझे लगता है कि इनके अब कोई रिश्तेदार भी जाने को तैयार नहीं होगा। हाल ही में मैं अपने ससुराल में हूं और मैं जा रहा हूं अपने घर, मेरी भी मेरे साले से नहीं बनती, पता नहीं कभी भी किधर से भी आकर वार कर जाए। दोस्तों कमेंट बॉक्स में अपनी राय दें कि अरशद भाई के साथ गलत हुआ या सही, अब आपसे क्या राय क्या लें। मैं खुद ही बता देता हूं कि यह तो बहुत गलत हुआ है अरशद भाई के साथ। मेरी मेवात के भाइयों से एक अपील है, अरशद भाई की वीडियो को ज्यादा शेयर ना करें, किसी के भी पास आए तो उसे डिलीट कर दे, बाकी आप समझदार हो और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि ऐसा कोई दोबारा ना करें अपने रिश्तेदार के साथ। यह हमारे आने वाली पीढ़ी के लिए बहुत गलत साबित हो सकता है। कृपया अपनी रिश्तेदारी की इज्जत करें, ना ही कोई मारपीट।